आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत ग्रुप सी परमानेंट भर्ती के बारे में जिसके ऑनलाइन फॉर्म को आप तेरह अगस्त दो से पहले अप्लाई कर पाएंगे सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के कुल मिला के तेईस वैकेंसीज आपको मिल जाएगी ड्राइवर की एक वैकेंसीज है जूनियर लैब असिस्टेंट की तेईस वैकेंसीज़ है कुल मिला के जूनियर सुप्रीडेंट के बारह वैकेंसीज है जूनियर टेक्निकल सुप्रडेंट पैथोलॉजी हॉस्पिटल सर्विस के अंतर्गत एक वैकेंसी है स्टाफ नर्स हॉस्पिटल सर्विस के अंतर्गत कुल मिला दो वैकेंसीज है इसके अलावा भी आपको वैकेंसी मिल जाएगी कोच की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी टेबल टेनिस के अंतर्गत दो वैकेंसीज है जूनियर टेक्नीशियन की एक वैकेंसी असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की एक वैकेंसीज और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की दो वैकेंसीज प्लस जूनियर टेक्निकल सुपिटिडेंट की दस वैकेंसीज आपको देखने को इसमें मिल सकती है ऑफिसर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड की उत्तराखंड की ओर से दिनांक तेरह सात दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किए गए ऑनलाइन फॉर्म को आप तेरह आठ अर्थात तेरह अगस्त दो हज़ार तेईस से पहले अप्लाई कर पाएंगे ऑफिशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें बैचलर डिग्री मांगा है इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ड्राइवर की वैकेंसी के लिए टेन प्लस टू प्लस हैवी जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए प्लस आईटीआई यदि आपने का रखा है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए जो मांगा है इसमें बैचलर डिग्री और बी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थ्री ईयर डिप्लोमा यदि आपके पास है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तब आप जूनियर लैब असिस्टेंट के फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा जूनियर स्टूडेंट के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री विद टू ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यदि आपके पास है प्लस कंप्यूटर नॉलेज तो आप जूनियर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के, के जो पोस्ट है एमएस मेडिकल लैब पैथोलॉजी या फिर बी मेडिकल लैब पैथोलॉजी और इसके साथ साथ दो साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है स्टाफ नर्स के लिए इंटरमीडिएट टेन प्लस टू इसके अलावा जो है डिप्लोमा इन मेडल हेल्थ नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का तीन साल का कोर्स यदि आपने कर रखा है या एम का नर्सिंग का कोर्स यदि आपने कर रखा है तो आप इसमें स्टाफ नर्स में अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा जो पोस्ट है स्टाफ नर्स वन की जिसमें कि इंटरमीडिएट टेन प्लस टू अर्थात तो ट्वेल्व बारहवीं पास कैंडिडेट प्लस जो है तीन साल का नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा कोई मिडवाइफ़ का कोर्स आपने कर रखा है नर्सिंग का बी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर पाएंगे इसमें और कोच के लिए यूनिवर्सिटी या डिग्री लेवल के लिए फिजिकल एजुकेशन या बी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो वैकेंसीज है इसमें आप देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल की वैकेंसी जिसमें बैचलर डिग्री बी आर होना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से और तीन साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है तो बहुत सारे पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और बहुत सारे पोस्ट है जिसमें प्रेसर भी अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के लिए इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन विद एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स आपके पास कम से कम होने चाहिए और इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी फीमेल का पोस्ट है इसमें ग्रेजुएट विथ फोर ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन के साथ चार साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है और शुड हैव मिलिट्री और एन एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग यदि आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे पुलिस और वर्ल्ड इंडिया के कंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एम इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री या फिजिक्स और बी और बी -E और बी एस सी विद टू ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस तो बी टेक वालों के लिए एक्सपीरियंस ये और एम के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और फीस की बात करें तो जनरल के लिए पाँच सौ रुपये फीस है ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के लिए चार सौ रुपये और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी या वन कैटेगरी फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे उत्तराखंड से निकलने वाली हर छोटी सी छोटी जॉब की जानकारी आप तक रेगुलर बेस पे पहुंचती रहे यदि आप फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आई आई टी की वेबसाइट पर आना होगा वेबसाइट का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके करियर के सेक्शन में आएंगे कैरियर के अंतर्गत अदर जॉब ओपनिंग के अंतर्गत नॉट टीचिंग जॉब्स का एक ऑप्शन इंटरफेस को जिस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट और उसके नीचे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आएगा और यदि आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपको जो है यहाँ पे आई क्रिएट करनी होगी सबसे पहले ई मेल कन्फर्म पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा मैक्सिमम सिक्स करेक्टर का कन्फर्म पासवर्ड और मोबाइल नंबर और फिर वेरिफिकेशन कोड को फिल करने के बाद साइनअप अप करेंगे उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं तत्पश्चात जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे तो दोस्तों ये था इसका वीडियो इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क शोध मिल जाएगा उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाय बाय जय हिंद जय उत्तराखंड